हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्कारलेट जॉनसन और डिज्नी प्लस के बीच में हुए विवाद के बारे में। काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट करी कि भाई स्कारलेट जॉनसन ने क्या एक्चुअल में डिज्नी प्लस पर मुकदमा करा है। मैंने बोला कि हाँ मुकदमा करा है, तो सभी ने पूछा कि क्यों। तो अब मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर तो वीडियो बना ही दो, क्योंकि फैंस को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में विवाद क्या चल रहा है, कि स्कारलेट जॉनसन ने डिज्नी प्लस पर क्यों मुकदमा करा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एवेंजर्स एंड गेम से। एवेंजर्स एंड गेम में स्कारलेट जॉनसन यानी कि हमारी एक ब्लैक विडो का कैरेक्टर बिल्कुल खत्म कर दिया था। फैंस काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता स्कारलेट जॉनसन का, ना ही किसी मूवी में कैमियो, ना ही किसी चीज में उनका फ्यूचरिस्ट अपीयरेंस देखने को मिलता। पर फाइनली हुआ क्या कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केविन फाइगी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया फैंस के लिए स्पेशल कि ब्लैक विडो के ऊपर एक मूवी बनेगी। जी हाँ, स्कारलेट जॉनसन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उनकी पर्सनली खुद की एक लीड मूवी आ रही है। क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी कैरेक्टर प्ले करे हैं ब्लैक विडो के, वो सब एक साइड एक्टर थे और देन सपोर्टिंग एक्टर थे। पर उनकी ये खुद की एक पर्सनल मूवी आ रही थी लीड की, समझना इस बात को ढंग से, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इस मूवी को एक साल के अंदर ही बना के तैयार कर दिया गया और देन रिलीजिंग डेट को बिल्कुल फाइनलाइज कर दिया कि इस समय पर रिलीजिंग के टाइम पर ब्लैक विडो रिलीज होगी। पर हुआ क्या, कोविड के चलते सभी मूवीज को डिले करा गया और देन जब डिज्नी ने ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट दिया कि ब्लैक विडो को उसकी ओरिजिनल रिलीज डेट पर रिलीज नहीं करा जाएगा, तो स्कारलेट जॉनसन भी काफी ज्यादा खुश थी उस स्टेटमेंट से, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मूवी फैंस अगर थिएटर में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ये नहीं है फैंस अलग अलग कभी किसी सिटी में थिएटर बंद है, किसी में थिएटर खुले हैं, तो ऐसे देखेंगे तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा था डिले हो रही है, होन दो, मूवी को आगे समय पे अपने ओरिजिनल रिलीजिंग डेट पर रिलीज करेंगे। पर एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, ऐसे करके मूवी काफी ज्यादा डिले हुई और फाइनली जब जुलाई में 2021 में कोविड बिल्कुल खत्म हो गया था किसी किसी सिटीज में, क्योंकि भारत में तो ब्लैक विडो रिलीज हुई नहीं, तो ब्लैक विडो को रिलीज कर दिया गया और देन 9 तारीख को ब्लैक विडो को ऑफिशियली रिलीज करा गया वर्ल्ड वाइड में। पर कुछ कुछ देश में ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई, जहां तक कि चीन तक में भी रिलीज कर दी थी जहां से ये कोविड आया था। पर 9 तारीख के बाद ऑफिशियली डिज्नी ने स्टेटमेंट दे दिया कि ब्लैक विडो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और रिलीज करा जाएगा। इस चक्कर में ही स्कारलेट जॉनसन का मूड बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि सबसे पहले केविन फाइगी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था स्कारलेट जॉनसन से, उनसे यही डिसाइड हुआ था कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो तो फिक्स रहेगी, पर मूवी जो थिएटर में रिलीज होगी, जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा, उसका कुछ परसेंटेज भी आपको मिलेगा, जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिलता है, जैसे थॉर एक्टर को उनकी अपनी मूवी से मिलता है, ऐसे ही हमारे कैप्टन अमेरिका को उनकी मूवी से भी मिलता है। तो ऐसे स्कारलेट जॉनसन का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, क्योंकि उनकी पहली सोलो मूवी थी, कि बॉक्स ऑफिस में जितना भी कलेक्शन होगा वो उन्हें उसका परसेंटेज देंगे। पर हुआ क्या कि डिज्नी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाकी दिखा दी। डिज्नी ने कहा कि मूवी तो कोई देख नहीं रहा है, थिएटर में रिलीज करेंगे पैसा और ज्यादा खर्च होगा, इससे अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करो, वहां से जो व्यूअरशिप मिलेगी, क्योंकि $30 की वो वर्ल्ड वाइड में डिज्नी प्लस पर प्रीमियम की तरह उसे दे रहे थे मूवी को, जहां तक कि आप सबको पता भी होगा। तो उन्होंने उसकी जो कमाई होती वो अपने पास रखे, स्कारलेट जॉनसन को कुछ भी नहीं दिया। जहां तक कि बस स्कारलेट जॉनसन को $20 मिलियन ही मिले थे, वो भी जब थिएटर में जितनी भी मूवी रिलीज हुई उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, और बाकी उनकी जो कमाई थी वो अलग। पूरा ओवरऑल कलेक्शन किसी ने अभी तक रिवील नहीं करा है, ना ही गवर्नमेंट ने, ना ही स्कारलेट जॉनसन ने। इसी बात से स्कारलेट जॉनसन काफी ज्यादा नाराज है। अब इस बात पे केविन फाइगी ने और कहते हैं जो हाई कोर्ट है, जो कि शायद लॉस एंजलिस में ही मुकदमा ठोका गया है, लॉस एंजलिस में हाई कोर्ट ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कही है कि स्कारलेट जॉनसन के साथ बिल्कुल गलत हुआ, और केविन फाइगी को भी काफी ज्यादा निराशा हुई है कि स्कारलेट जॉनसन के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ और देन इस मूवी को डिज्नी प्लस पर इतनी जल्दी रिलीज नहीं करा जाना चाहिए था। स्कारलेट जॉनसन के हिसाब से इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज करते उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता उनको भी अच्छी खासी अर्निंग होती और फैंस इसका मूवी का भरपूर मजा ले पाते, और देन बस यही था वो पूरा मैटर। अब इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। डिज्नी ने अपना ऑफिशियली स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हमने सिर्फ सोच समझ के फैसला लिया है, ऐसा कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है। और देन प्रॉफिट की बात रही तो आप स्कारलेट जॉनसन को व्यूअरशिप का भी देंगे जो भी मिलेगा, जैसा कि आप पहनिया VIP खरीदते हैं या प्रीमियम खरीदते हैं, जब इंडिया में भी रिलीज होगी तो उसका जो व्यूअरशिप का पैसा भी होगा ना, जहाँ लोग ब्लैक विडो देखेंगे तब भी उसका पैसा स्कारलेट जॉनसन को मिलेगा, ऐसा डिज्नी का कहना है। पर स्कारलेट जॉनसन का इस मामले में यह कहना है कि मुझे इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होगी जितना थिएटर में वर्ल्ड वाइड मूवी को रिलीज करा जाता है।
अब यहाँ पर और भी एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन के साथ खड़े हो गए, क्योंकि एचबीओ मैक्स ने ये पहले अनाउंस कर दिया था कि जितनी भी मूवी रिलीज होंगी सेम डे पर एचबीओ मैक्स पे भी रिलीज होंगी कुछ कुछ मूवीज। तो यहाँ पर और एक्ट्रेस भी स्कारलेट जॉनसन के साथ खड़े हो गए हैं और ये भी बात बहुत बड़े लेवल पे हो गया। अब इसका फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। और देन अगर आपको और भी ऐसी रिक्वेस्टेड वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर वो टॉपिक अच्छा होना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।